करनाल में आए नए अध्यादेशों को लेकर एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि उनकी मांगों को माना जाए, वरना उनका आक्रोश सरकार के लिए नहीं थमेगा। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में किसानों का आंदोलन शुरू है। हमने इसके तहत सभी सांसदों को, प्रतिपक्ष पक्ष के नेताओं को जाकर के दरवाजे पर प्रदर्शन करके हमने ज्ञापन सौंपे हैं और आज 26 तारीख से 2 बजे हरियाणा विधानसभा का सेशन सत्र शुरू होने वाला है और हम इस उम्मीद के साथ या खामोशी के साथ बैठे हैं कि जो हमारे प्रदेश के नेता हैं आज किसान की आंदोलन को देखते हुए ये कानून बनाएंगे कि जो भी घोषित समर्थन मूल्य है उस पर पूरी खरीद गारंटी का कानून बने, किसान को भुगतान का कानून बने। अगर MSP से कोई नीचे खरीदता है तो उसको दंडनीय अपराध का कानून बने और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे प्रदेश के नेता जो विधानसभा में इस कानून को अवश्य बनाएंगे और किसानों के उससे भला होगा और भलाई का हमारी विधानसभा काम करेगी और हम यहाँ खामोशी के साथ बैठे रहेंगे जब तक हरियाणा का विधानसभा का सेशन चलेगा। और अगर इसमें कानून बनाने में कोई आनाकानी हुई विधानसभा में तो तुरंत हरियाणा प्रदेश की बैठक बुला करके, किसान पंचायत बुला करके आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी और आक्रामक तौर पर किसान आंदोलन करेंगे। ये जिम्मेदारी इस शासन की, प्रशासन की होगी।